subscribe my channel to watch my upcoming videos and to know few more math tricks. Hello friends, so आज फिर मैं आ गई हूँ वैदिक मैथ से कुछ नए ट्रिक्स लेकर अपने इस चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मैथ्स. सो वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन की काफी सारे ट्रिक्स हैं जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, बट आज मैं एक ही ट्रिक पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी जो कि आपका एक पैटर्न ट्रिक है. अगर वो पैटर्न आपको समझ में आ गया तो टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, थ्री डिजिट टू थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन विल बी वेरी इजी. सो टुडे आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस पैटर्न, लेटर ऑन आई विल टेल यू फ्यू मोर ट्रिक्स करूंगी. तो ये पैटर्न ट्रिक है. पहले तो हम देखेंगे टू डिजिट नंबर्स. टू डिजिट नंबर्स में ये पैटर्न है. ये पैटर्न क्या है कि फर्स्ट जो आपका वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थर्ड अगेन आपका वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. 24, 36 अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. फर्स्ट वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 6 4 24, ठीक है. अब 24 में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट डिजिट को छोड़ देते हैं. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12, 4 3 12, तो इनको ऐड किया 6 26. अब आपने क्या किया, लास्ट डिजिट को यहां पे लिख दिया और सेकेंड फर्स्ट डिजिट को लीव कर दिया, 3 2 6 8. तो इसको आप कोई नंबर नहीं है तो हम पूरा पूरा कॉपी कर देंगे. ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट. तो आपको केवल एक पैटर्न को याद रखना है, उस पैटर्न से आप मल्टीप्लाई करेंगे. और क्या करेंगे, जैसे आपने दो को मल्टीप्लाई किया, वंस का डिजिट यहां लिखेंगे, सेकेंड का जो टेंस का डिजिट है उसको छोड़ देंगे. सिमिलरली आप क्रॉस मल्टीप्लाई में भी सेम पैटर्न करोगे और उसके बाद लास्ट में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, 39 57, ठीक है. अब आपने, मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट आप वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 9 63. अब इन दोनों में से आपने क्या किया, वंस प्लेस का नंबर को यहां लिख दिया, टेंस प्लेस को छोड़ दिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 9 5 45 6 + 1 + 5 12 72. आपने वंस प्लेस का नंबर लिखा, सेवन प्लेस का नंबर छोड़ दिया, 5 3 15, तो पूरा का पूरा आपने 22 यहां लिख दिया. तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट. So this way you can easily find out the product of two digit numbers. मैंने ये method तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि tedious है, तो इसको और इसमें क्या फर्क है. I know 2 by 2 में थोड़ा सा ये tedious लग रहा होगा, लेकिन 3 by 3 में ये आपको बहुत fruitful लगेगा, बहुत easy लगेगा. तो चलिए देखते हैं 3 by 3 का. चलिए अब हम करते हैं 3 digit number multiplication, यानी कि 3 by 3, यानी कि 456 172. If you see, this kind of multiplication is quite long and tedious also. So this method is quite helpful in that, because in this method you don't have to do very long calculations and very easily you can take it up. Okay, first you have to learn the pattern. First vertical, second 2 criss-cross, then 3 ka criss-cross, then 4 mein again last 2 digits of criss-cross and फिर वर्टिकल, सॉरी 5 नंबर वर्टिकल. ओके, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करोगे, 6 and 2 6 2 12. तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, वंस का लिखेंगे नंबर और टेंस को छोड़ देंगे, फिर आप इन दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे. आप इसमें ये पैटर्न देखने में चाहे डिफिकल्ट लग रहा हो, इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो यू फाइंड इट इजी. 5 2 10, 6 7 42, एंड अगेन यू विल राइट द डिजिट एट फर्स्ट प्लेस, 5 छोड़ दिया. देन अब 3 का क्रिस क्रॉस करेंगे, 4 2 8, 6 1 6, 5 7 35, 10 24 2 54. आपने 4 लिखा, 5 छोड़ दिया. देन अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 4 28 एंड 5 1 5,
फिर अगेन आपने वन स्पेस का नंबर लिखा छोड़ दिया एंड फोर वन जा फोर, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। सो इजी ना, बहुत इजीली निकल आया 3x3 का मल्टीप्लीकेशन। सो आपने एक बार पैटर्न लर्न कर लिया तो आपको बहुत लंबे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, फिर आप छोटे से कैलकुलेशन के साथ ये अपना प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते। नाउ लेट्स सी दिस सम, अगेन विल फॉलो द सेम पैटर्न। अभी वी विल नॉट सी दिस पैटर्न बिकॉज वी हैव मेमोराइज्ड इट। ओके, फर्स्ट वर्टिकल 6 5 30, आपने ये लिखा 0 3 छोड़ दिया, देन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 10, 6 4 24, ऐड किया, आपने फर्स्ट डिजिट लिखी सेकंड छोड़ दी, देन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 1 5, 6 3 18, 4 2 8, देन 34, आपने फर्स्ट डिजिट लिखा सेकंड छोड़ दिया, देन अगेन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 4, 3 2 6, तो 13, आपने फर्स्ट डिजिट लिखा सेकंड छोड़ दिया एंड 3 1 3 4। सो फ्रेंड्स, यू कैन चेक बाय कैलकुलेटर आल्सो, यू गेट द सेम आंसर। दिस इज श्योर शॉर्ट मेथड, यू कैन इजीली डू इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। दोबारा एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन आप क्या करेंगे, केवल फर्स्ट डिजिट यहां लिख देंगे, सेकेंड डिजिट छोड़ देंगे नेक्स्ट नंबर के लिए। फिर इतना मल्टीप्लीकेशन टू लास्ट टू डिजिट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम आपने ऐड किया, ऐड करके फर्स्ट डिजिट लिखा सेकेंड छोड़ दिया, फिर तीनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद फर्स्ट डिजिट लिखा सेकेंड छोड़ दिया, फिर उसके बाद लास्ट टू डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उनको ऐड किया, फर्स्ट डिजिट लिखा सेकेंड छोड़ दिया, और फिर लास्ट डिजिट का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। सो दिस वे यू विल डू एंड यू विल फाइंड दैट दिस मेथड इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। सो दिस मेथड इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज वंस यू अंडरस्टूड द पैटर्न यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। चाहे आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू विल ट्राई दिस मेथड एट होम, एंड होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करिए, होमवर्क स्लाइड करिए, और उसके बाद आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।